ओप्पो का मोबाइल है A3S, तो इस पे स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, चेक करते हैं कौन सा मॉडल है। CPH 1803 है और ये मॉडल है ओप्पो A3S है। ओप्पो A3S इसकी जो पहले पोर्ट जो खुलता था वो इसका बैक पर खुल के ऑनलाइन होता था या मेमोरी से होता था, लेकिन अब अनलॉक पोर्ट में इसकी अपडेट आ गई है, तो कैसे कर रहे हैं आपको बताएंगे। तो ये मॉडल आपने देख लिया, सबसे पहले आपने मोबाइल को ऑफ करना है। उसके बाद मोबाइल को आपने लेके जाना है, रिकवरी पे लेके जाना है, वॉल्यूम बंद दबा कर रखना है, केबल लगा देनी है। रिकवरी पे आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना आपने। उसके बाद आपने आना अनलॉक टूल ओपन कर लेना है, टैड टूल है। अगर आपने ऑनलाइन अनलॉक कराना है तो आप व्हाट्सएप इनबॉक्स आ सकते हैं। सबसे पहले आपने ओप्पो में जाना है, उसके बाद यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना है ओप्पो A3S, ठीक है, जो हमारा मॉडल है 1803, ठीक है। इसमें दो किस्म के मॉडल आते हैं, 1853 और 1803, हमने ये मॉडल सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने क्लिक करना है एडियल फैक्ट्री के शर्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो कॉलम को मोड पे कह रहा है कि इसको लेके जाना, लेकिन उसके ले जाने के लिए वो इसमें तरीका बता रहे हैं आप इस तरीके से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, वर्जन 1.2 पे है ना, 5 से 7 बार या 10 बार क्लिक करना है, उस पर एडियल मोड पे आ जाएगा, इसको ओके कर देना है। 5 से 7 बार क्लिक करेंगे या 8 बार ज़्यादा क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले क्लिक किया हो तो इसलिए ये ऑप्शन आया है, तो आपने यहाँ से करना है ओके करना है, और गोंटो डाउनलोड मोड पे यहाँ 8 से 10 दफ़ा या इससे ज़्यादा ट्राई करना है, जिससे ये ऑप्शन आपका लाजमी आ जाएगा। उसके बाद ये एडियल पॉइंट कॉलम कॉम को ड्राइवर ले लेगा, उसके बाद ये स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसके वर्जन देख रहे हैं 1803, ये वर्जन इसके एफ आर भी बाईपास हो चुके हैं और यूज़र डेटा भी फॉर्मेट ईजी हो चुका है। अब इसको ऑन करना है हमने, तो ये वेब डेटा फैक्ट्री सेट हो रहा है, तो इसको थोड़ा ऑन होने में थोड़ा टाइम लेगा, तकरीबन 8 से 10 मिनट लेगा या 5 मिनट लेगा। तो वीडियो को हम थोड़ा फॉरवर्ड करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमारा मोबाइल ये ऑन हो रहा है, तो वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है, ऑन होने में तकरीबन इसने 5 से 8 मिनट लिए हैं, तो वीडियो फॉरवर्ड किया था, उसको आगे लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसके स्क्रीन लॉक जो है इजी से बाईपास हो चुकी है। स्नैपड्रैगन है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।